एक ऐसी टीचर है जो देखने में स्टूडेंट के जैसी लगती है और वो लाखों ऐसे लोगों को ट्रेन कर रही है जो टीचर्स बनना चाहते हैं। इतनी कम एज में जो वो काम कर रही है वो हम सबके लिए, यानी आप लोगों के लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हिमांशी सिंह। आपने 6 साल पहले अपना YouTube चैनल शुरू किया था Let's Learn के नाम से। इनफैक्ट ये नाम ही कितना कमाल का है, यानी ये सिर्फ सिखा नहीं रही है, सीख भी रही है। इनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों व्यूज हैं इनके चैनल पे, यानी कि लाखों लोग इनको देख करके टीचर्स बन गए हैं। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। और मैं 2-3 बातें जो कहना चाहूंगी आपको। मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था 2012 में, मेरे 10th के एग्जाम्स हुए थे, और 2012 10 साल पहले। उसके बाद मैंने आपका द अनस्टॉपेबल अटेंड किया था जो आपके बर्थडे पे हुआ था 27th। आपने लाइव अटेंड किया था? राइट। ओ, मेरे को नहीं पता था, मतलब यू वर इन द आप त्यागराज स्टेडियम में वहाँ पे जो हुआ था वहाँ पे थे आप? बिल्कुल। आज सुबह मेरी सिस्टर ने भी यही कहा मुझे, 3 बजे हम मैसेज पे बात कर रहे थे, थोड़ा मैं काम कर रही थी, कि शी सेड के अच्छे से करना, और लास्ट टाइम आई हियर्ड संदीप माहेश्वरी वाज इन त्यागराज विद यू, और नेक्स्ट टाइम भी मैं जब उनको देखूंगी, वो एक्चुअली यूट्यूब नहीं देखती हैं, बहुत कम देखती हैं, तो तेरे साथ ही देखूंगी, तो वीडियो का मेरे को इंतजार रहेगा। तो मतलब मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, वो टाइम बिल्कुल याद आया। आपने 2 बच्चों की स्टोरी सुनाई थी और यू सेड के उसको पता नहीं था कि वो क्यों वो कर नहीं सकता, ये उसे नहीं पता था। मतलब वो बहुत एक अपने आप में इंस्पिरेशनल था। मतलब मेरी लाइफ में ये चीज़ रहती है कि मेरी टीम में भी कोई बोलता है कि नहीं नहीं हो सकता या नहीं है, मैंने कहा नहीं क्यों बोलते हो छूटते ही, थोड़ा देखो हो जाएगा, तरीका तो होगा ही। तो बहुत इंस्पायर किया आपने सर, जो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है आपकी। थोड़ा सा बुद्धिजीवी होते हैं लोग तो टाइम के साथ उनको लगता है थोड़ा मुश्किल दो कुछ, मतलब भारी बातें, भारी किताबें या कुछ, आप बहुत ही मुश्किल बात को भी बहुत आसानी से समझा देते हैं सबको। वो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है आपकी कि आप बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें। मैम मेरा क्वेश्चन, पहले मैं बेस बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो बडिंग एजुकेशनल यूट्यूबर लाइक यू, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मी। एंड मैं कल आप ही की वीडियो देख के आई हूँ जो अमन धतरवाल सर ने आपका इंटरव्यू लिया था, एंड मतलब ओके आई एम एक्साइटेड। सो द क्वेश्चन इज कि एवरी यूट्यूबर स्टार्ट्स एज अ वन मैन आर्मी, सिंगल हैंडेडली हम सब कुछ करते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब यू हैव टू बिल्ड अ टीम। तो मुझे वो प्रोसेस समझना है दैट हाउ डज इट हैपन, क्योंकि एकदम से आप पूरा एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एक टीम नहीं ले सकते। सो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए फॉर एवरी बडिंग यूट्यूबर या जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गाइडेंस? बेसिकली इसके ना 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से टीम बिल्ड करें, एक बड़ी सी टीम जो आप कह रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लें एक लेवल के बाद। क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो वो थोड़ा सा एक टाइम पे वो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, लोग आएंगे वो फिर उनको ऑफर देंगे जिनको आप सिखा रहे हैं या जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, एक टाइम पे वो टूट के चले जाएंगे कहीं और, तो वो सब होता है, वो बहुत बड़ी अपने आप में एक पॉलिटिक्स जैसा ही है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, मतलब मेरी, मैं पर्सनली मानती हूँ मेरी वैसी नहीं है, तो उस केस में आप कोलैबोरेट कर सकते हो। बाकी इंडिविजुअली बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरे मुझे याद है 1.5 मिलियन तक भी मैं इवन टाइप भी खुद कर रही थी क्वेश्चंस, जबकि उस टाइम पे वीडियोस की भी ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस बनते थे। तो अकेले भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बट हाँ एक टाइम के बाद आपको टीम बिल्ड करनी ही पड़ेगी। अभी भी ज़्यादा बड़ी टीम मेरी पर्सनल लेवल पे नहीं है, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ एक कंपनी में, तो वो या तो डेलीगेट होती हैं चीज़ें या फिर मैं खुद कर लेती हूँ। उसका फ़ायदा है क्योंकि मैंने एक एक चीज़ खुद से स्क्रैच से की है, तो अभी भी जैसे मेरी टीम में भी कोई नया इंसान आया वो कहेगा दीदी ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मैंने कहा यार कैसे नहीं होगा, मतलब करके देखो ना, मुझे पता है कि कैसे चीजें बिल्ड हुई हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि क्या होता है कि जब आप खुद एक काम को कर लेते हैं ना, जैसे इन्होंने 1.5 मिलियन तक खुद सब कुछ किया, तो अब अगर ये आगे टीम बिल्ड करेंगी तो उनसे अच्छे से काम करवा सकती है, और जब वो काम एक लेवल पे आ जाए, जब आप उसको खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, तब आप टीम को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो रिटेन भी हो, नहीं तो वो छोड़ करके चले जाएंगे। और प्लस आपको खुद को आता होगा तो उनको ये भी लगेगा कि उनको आपसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे आई एम श्योर इनके साथ में जो भी टीम मेंबर्स जुड़े होंगे उनको ये फीलिंग आती होगी कि हमको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे रोज इनसे कुछ नया नया, तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। सिर्फ पैसे से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं, उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। वो ग्रोथ तब हो पाएगी जब आपकी खुद की ग्रोथ एक लेवल पर हो चुकी होगी। सर मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और मैं सीडीएस टारगेट कर रहा हूँ, तो सर प्रॉब्लम है कि अब सीडीएस मैं टारगेट करूँ तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो एग्जाम क्लियर होगा
या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होता तो मैं बैकअप रखता हूँ जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब। तो मैम अब मैं क्या करूँ, या तो CDSE सिर्फ टारगेट करूँ एक एग्ज़ाम, या फिर सारे में एग्जाम्स टारगेट करता चलूँ कि नहीं दिल्ली पुलिस भी देखूंगा मैं, CGL भी देखूंगा, तो क्या करना चाहिए मुझे? इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे ये जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, ये हर जगह पे आते हैं, तो वो तो आपके एक ही जगह से तैयार हो जाएंगे। अगर आप CDSE की भी, सिर्फ CDSE की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी वो हो जाएंगे कवर। कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं और एक टाइम के बाद आपको लगता है, पहले आप CDSE पे फोकस रखिए, उसके बाद आपको लगता है कि CDSE एक लेवल का तैयार है, तो जो बाकी एग्जाम्स भी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल कि कब आएगा एग्जाम कौन सा, तो हम फिल तो सारे ही करेंगे एटलीस्ट जो सेम कैटेगरी में हैं, आसपास के हैं। तो उस केस में जब आपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ लिए होंगे, जो आपका मेन एग्जाम है, जो आपका प्लान है जैसा कि आप कह रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए कुछ सब्जेक्ट्स ही होंगे, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, वो आप जब वो एग्जाम आने वाला हो उस दौरान तैयार कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हो जाएंगी, बट एक टाइम पे, मतलब एटलीस्ट 6 महीने 3 महीने तो आप एक एग्जाम को प्रॉपर दीजिए ताकि एक लेवल आपका तैयार हो जाए कॉमन सब्जेक्ट्स का। बिल्कुल मैम। और सर सेकंड केस हो सकता है कि मैं क्लियर कर लूँ, तो देन सर मुझे SSB के लिए जाना होगा। SSB सर अब एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो सर अब मैं अपनी पर्सनैलिटी एक ऑफिसर जैसे कैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे अपना जो सोचने का तरीका एक ऑफिसर जैसा कर सकता हूँ? आपको क्या करना है, ऐसे लोग जो वो बन चुके हैं, जो आप बनना चाहते हैं जिस भी फील्ड में हैं, उनके आपको इंटरव्यूज़ मिलेंगे ऑनलाइन, आप उनके इंटरव्यूज़ देखते चले जाइए। उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, यानी कि वो आपके आइडल हैं। बिल्कुल। तो उनके इंटरव्यूज़ आप बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके बिहेवियर में वो चीज़ उतरने लग जाएगी और आप उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम संदीप सर। आई वुड रियली लाइक टू से वन थिंग, थैंक यू टू यू एंड योर टीम मेंबर्स। हर किसी के लाइफ में अलग हार्डशिप्स रहते हैं, इमोशनल ट्रोल हो जाता है, मतलब लगता है कि यार सामने वाले को आप कितना समझाओ नहीं समझ रहा है, तो फिर खुद के अंदर लगता है कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है। सर आपकी क्या, मेरी भी बहुत ट्रोलिंग होती है। मेरा सिंपल सा इसमें आंसर ये है, लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफ़ी मांगो, अगर वो माफ़ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ़ करो, खुद को कभी ब्लेम मत करो। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। हो गई आपसे गलती, यानी आपने कुछ करने की कोशिश करी और लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है ऐसे में, आप कुछ मत बोलो किसी को भी, अपने काम को बोलने दो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पर फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। हाँ। वो कब तक बोलेंगे, कभी तो सच सामने आएगा ना। एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन मैं साइड बाय साइड अपना कंटेंट क्रिएशन का काम कर रही थी 1.5 साल से, लेकिन अब ऐसा पॉइंट आ गया है कि मैं उनको अब बताना चाह रही हूँ कि अब ये मैं करना चाहती हूँ। तो इसके अंदर पहली प्रॉब्लम यह है कि कन्विंस तो मैं जैसे तैसे कर दूंगी, लेकिन मुझे ये रिग्रेट आ रहा है कि उनकी मैं मतलब विशेस पूरी नहीं कर पा रही, तो उसका क्या करूं? ये सिचुएशन ना मतलब मुझे भी फेस करनी पड़ी थी एक टाइम में। मेरे फैमिली में सब टीचर्स ही हैं, गवर्नमेंट जॉब का पूरा है हल्ला एक तरह से। तो अभी आप किस स्टेज पे हैं ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप अभी कैसे देख रहे हैं, आपको आगे तक का फ्यूचर कितना नज़र आ रहा है और कितना कॉन्फिडेंस है कि इस चीज़ में मतलब कर लोगे। देखो इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मैंने एक टाइम पे पापा को बोल दिया था कि मुझसे होगी नहीं जॉब ना, मैं 6 घंटे में खुश नहीं हो पाऊंगी, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मेरा दिमाग इतना एक्टिव रहता है अब कि मैं शायद वो उतनी शांत लाइफ नहीं हो पाएगी। तो या तो आपको अंदर से ये चीज़ लग रही हो कि यार यही करना है अब, तो मतलब आप जी भी नहीं पा रहे हो, मतलब आपको आपको वो है अंदर से कि एग्जाम आ रहे हैं बट आपका ध्यान उस चीज़ पे जो आप कर रहे हो एग्जैक्टली। तो अगर वो उस लेवल का है तो फिर तो देखो कन्विंस कर ही लेना चाहिए और उनको बोल भी सकते हो, 1-2 साल का टाइम दे सकते हो। इसी लेवल का है इसलिए कॉन्फिडेंस है, कर लूंगी कन्विंस। बिल्कुल, जब है तो फिर तो करके देख लो। और दूसरा टाइम है, 1-2 साल में कौन सा दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब आप कर सकते हो बात, तो घर पे बात करो थोड़ा सा, थोड़े दिन रहेगी वो रहता है, सब जगह पे रहता है। और मतलब मैं वैसे कहती थी अपने दोस्तों में एक टाइम पे कि यार पैशन ना आपको समझ आता है,
थोड़ा बहुत उनको आ जाएगा, बट उनको ना वो बाहरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें या सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की भी कुछ हद तक, क्योंकि उनको आपकी सिक्योरिटी चाहिए, उनको ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बहुत बड़ा पैसा चाहिए या कुछ, तो वो टाइम के साथ आ जाएगा अपने आप, फिर वो चीज़ अपने आप ही आपकी साइडलाइन हो जाएगी, आप खुद ही उनको भी आंसर मिल जाएगा। और इवन लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर भी आई थिंक वैकेंसी आई थी, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि फॉर्म फिल कर दे, मैंने कहा मम्मी कैसी बातें करती हो। और इवन और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन मेरे को पता है, यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं तो मैं पूरी रिसर्च करता हूँ उनके ऊपर। तो मैंने आपका एक दूसरा चैनल भी देखा है, एक तो आपका लेट्स लर्न वाला है, एक आपका व्लॉग्स वाला चैनल है, तो मैंने व्लॉग्स वाले चैनल में देखा, अभी रिसेंटली आपने ऑडी परचेज करी है इफ आई एम नॉट राइट, उसके बाद भी आप समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहिए, घर वालों को धीरे धीरे समझ आएगा, जब आपके पास दो चार प्राइवेट जेट आ जाएंगे तब हो सकता है वो आपको भूलना बंद कर देंगे, तब तक सुनते रहिए, आराम से सुनते रहिए। साइड में आप तो आई मोटिवेट करने को, जब साइड में मैं तो हुई, मैं तो साइड में ही। हेलो सर। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत क्यूट हो रियलिटी में। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं, मेरा सीटेट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ और LLB कर रहा हूँ साथ में, बट स्टिल मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, संडे वार्ता से लेके व्लॉग्स वगैरह सब, मैम बहुत इंस्पिरेशन लगता है। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट दे भी चुका हूँ बट नहीं हुआ था क्लियर, फिर साथ में मैंने LLB ले लिया DU से, तो मेरे को लगा था कि मतलब बिजी रहना है, अपने आप को बिजी रखना है, नॉलेज गेन करनी है, तो मैंने इतनी चीज़ें मतलब ऐसे वो कर लिया, एक रायता फैला, ऐसे कह सकते हैं रायता सा फैल गया, बट अब वो फोकस नहीं हो पाता है, वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं बेसिकली। अगर वो मोटिवेशन कहाँ भी जाता है, जैसे मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी भी डिस्कस करती हूँ कि नीड से आता है, तो अगर आपकी नीड वो वाली सच में बड़ी है तो आप तरीके ढूंढ लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है या किया नहीं है लोगों ने। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने सेम जो आप बता रहे हैं वही सिनेरियो रहा है, हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अगर आपकी वो नीड बहुत बड़ी है तो आप वेज ढूंढ लेंगे, और रील से तो वैसे भी कोई भला होने वाला है नहीं आपका, मतलब थोड़ा बहुत कभी देख लो तो समझ में आता है, बट वो तो मतलब हम इतने छोटे तो नहीं रहे ना कि हम अपना भला ना समझ सकें, तो इवेंचुअली तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। मैं वो वहीं अटका रहता है दिमाग के, नहीं यार छोड़ो, ऐसा क्या मिल रहा है रील में मैम पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई से या कुछ प्रोडक्टिव काम से दिमाग हट के मतलब अनप्रोडक्टिव चीजों में। हाँ, तो वो आसान है ना, मतलब वहाँ पे अच्छा सर तो सब कुछ ही आसान है, बट मतलब वो कंपैरेटिवली इजी है ना, वहाँ थोड़ा सा पेन होता है अगर आप पढ़ने बैठोगे, मन भी इधर उधर भागेगा, तो आदत डालनी, वो अगेन नीड बहुत बड़ी नहीं है जब तक, तब तक तो आप ऐसे इधर उधर घूमोगे। अगर वो नीड बहुत बड़ी हो जाएगी, जिस दिन आपको लगेगा कि ये चीज सच में इंपॉर्टेंट है, आप वेज ढूंढोगे कुछ भी करके, वो अपने आप उठ भी जाओगे, कर भी लोगे, पता नहीं क्या क्या कर लोगे, तो सारा खेल वही है। अगर सच में अंदर से उतनी उस लेवल की नीड ही नहीं है, तो फिर खुद को भी धोखा मत दो और आसपास वालों को भी, मतलब सारा खेल उसी का है कि आप सच में कितना चाहते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे साथ ये हैबिट है एक तरफ से कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हूँ, कोई जॉब अगर मैं कर रही हूँ, कोई मैं डेजिग्नेशन कर रही हूँ अभी, तो मैं उसको ना ज़्यादा देर तक मैं कैरी नहीं कर पाती, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी, जो कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुझे चीज़ों को कैरी करना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी कहते हैं तेरा काफ़ी रिसेंटली मैंने भी CA के लिए अटैम्प्ट किया था, फिर मेरा दिमाग मतलब हट गया, वहाँ से प्रॉपर डाइवर्ट हो गया, फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट ज्वाइन कर लिया, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा करियर एक तरफ से रुक गया है, हर जगह मैंने हाथ मार लिया और कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी, तो मुझे ये एक तरफ से मुझे जानना है कि मीन्स एक जगह पर कैसे रुके। तो ये सर से क्वेश्चन था कि मुझसे था मैम? आप दोनों से ही है क्वेश्चन। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप सच में काम कर रहे हो, मतलब जो भी आप अलग अलग जॉब्स कर रहे हो, अगर वहाँ सच में एक्सपीरियंस ले पा रहे हो और ईमानदारी से वो चीज़ कर रहे हो, सीखने को मिल रहा होगा बहुत कुछ, तो नुकसान नहीं है उस चीज़ में। मतलब कई बार हमें क्या चाहिए, हमें सारे आंसर्स पहले से चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए, स्क्रिप्ट थोड़े ना है, मतलब जिंदगी है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाएगी, तो अगर आप सच में काम कर रहे हो चिंता तब होनी चाहिए। अभी मेरे पास एक टीम मेंबर हैं, तो वो कल परसों कहने लगे कि दीदी मुझे ना इस बात की टेंशन हो रही है, किसी ने मेरे से पूछ लिया कि फ्यूचर का क्या है या क्या सोचा है, तो मैंने कहा तुम्हें इस बात की टेंशन क्यों है, टेंशन उन लोगों को होनी चाहिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम यार मेरे सामने बैठे हुए हो, मेहनत करते हो, इतने मेहनती हो, चार चीज़ें सीखते हो, फिर किस बात की टेंशन है, ग्रोथ तो हो ही रही है ना, तो जब कुछ ना कुछ कर ही रहे हो तो फिर नुकसान तो नहीं होने वाला, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, मतलब वो सीख तो रहे हो ना एटलीस्ट, तो वो सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा जवाब के एग्जैक्टली क्या करना है, मिल जाएगा, बट प्रोडक्टिव अगर आप हो, सच में कुछ कर रहे हो मेहनत से,
तो इवेंचुअली सही दिशा ही होगी. ऐसा नहीं है कि कोई के मतलब आप गलत जगह पे जा रहे हो. वो प्रॉब्लम तब है जब आप बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हो. अंटिल अनलेस आप काम कर रहे हो तो फिर तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो. एक है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. एक है प्रैक्टिकली आपको ये देखना होगा कि आप किस काम में एक्चुअल में अच्छे हो. जैसे अभी आपने बोला कस्टमर सपोर्ट डिवीजन में आप हो, तो कस्टमर सपोर्ट से क्या कनेक्ट होता है? सेल्स. और सेल्स में इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई हद नहीं है. हो सकता है मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ. उसको छोड़ दीजिए. आप ये देखिए कि आप एक्चुअल में किस काम को करने में अच्छे हैं, जहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलता है, जहाँ पे आपको ये लगता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकती हूँ. जो अभी आपने बोला मैं उसी पॉइंट को आगे बिल्ड कर रहा हूँ, दैट कुड बी कस्टमर सपोर्ट. तो अब आप इससे एक रिलेटेड लाइन है, दैट इज सेल्स. सेल्स से रिलेटेड लाखों बुक्स हैं, उसमें से जो कुछ कमाल की बुक्स हैं उसको आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो सेल्स में आगे बढ़ता चला जाएगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना पूरा फोकस डाला सपोर्ट को समझने में. आपने बोल तो दिया सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, ये कोई छोटी चीज नहीं है. एक कंपनी के लिए कस्टमर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. अगर कस्टमर कंपनी को छोड़ देगा तो कंपनी बंद. तो कस्टमर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम कई बार छोटा समझ लेते हैं. हमें लगता है आई एम इन कस्टमर सपोर्ट. नहीं, इट इज नॉट अ स्मॉल डिपार्टमेंट. तो आप पहले समझिए कस्टमर सपोर्ट क्या होता है. अभी तो आप बाई चांस उस फील्ड में चले गए हैं, आपने कहीं अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, बट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. आप ये नहीं कह सकते कि मैं दुनिया की बेस्ट कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है उसमें से एक हूं. कि अगर मेरे पास में कोई कस्टमर आता है डील करने के लिए, चाहे वन ऑन वन, चाहे ऑनलाइन, चाहे कैसे भी, आई कैन कन्वर्ट दैट कस्टमर. ये कॉन्फिडेंस अभी आप में नहीं होगा. तो अगर ये कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर पाए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाए, सीख पाए और अपने आप को ऐसा बना पाए कि जो कंपनीज हैं वो आपको रिक्रूट करना चाहें बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स. क्या आप बताएं कि देखिए पिछली कंपनी में मैंने एक साल तक काम किया, इतनी सेल्स मैंने जनरेट करी उस कंपनी के लिए, तो क्या उसका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको डबल सैलरी नहीं देगा? उसको नहीं दिखेगा कि वो कितना कमाएगा आपको पैसा दे करके. वो पैसा दे करके आप पे एहसान नहीं कर रहा है, वो अपनी कैलकुलेशंस करेगा. तो अपने आप को इस लायक बना लो कि लोग आपके पीछे आए, कंपनीज आपके पीछे आए. मैम, एज यू सेड दैट यू यूज्ड टू लिव नियर अ विलेज टाइप एरिया एंड यू स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, सो आई वॉन्ट यू टू शेयर दी बोथ सपोर्टिव एंड अनसपोर्टिव साइड्स ऑफ द सोसाइटी. जो आपका ये क्वेश्चन है कि सपोर्टिव और अनसपोर्टिव, जैसे हम जो ट्रेडिशनल वेज नहीं हैं, जो थोड़ा सा हटके हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं या अभी उतना कॉमन नहीं है, उन चीज़ों में जाते हैं तो कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता. इवन मैं अभी कुछ टाइम पहले अपनी नानी से मिलने गई थी, तो वो 90 प्लस ईयर्स की हैं, तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा उनको समझाने में कि मैं क्या करती हूँ, और उनको कितना ही समझ आया होगा, अभी भी मुझे पता नहीं है. तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें ना समझने में ईजी नहीं होती, स्पेशली अब हमसे पहली जनरेशन के लिए या जो जनरल परसेप्शन चल रहा है सोसाइटी में उनके लिए. बट कुछ कुछ चीज़ें अपने आप समझ आएंगी टाइम के साथ. मतलब वो टाइम को जवाब देने दीजिए. आपको अगर सच में इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ को करने में खुश हैं, आप सीख रहे हैं और एक हर दिन एक नया चैलेंज है और आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है और आपको पता है कि यहाँ तक का रास्ता दिखा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जहाँ पर मुझे पता नहीं था कि ये करियर भी हो सकता है. इवन मैंने जिस दिन फर्स्ट वीडियो डाला, मुझे नहीं पता था मोनेटाइजेशन जैसी कोई चीज़ होती है, वो वीडियो कैसे डालते हैं वो भी मैंने सर्च करके ही डाला था. तो उस केस में वो आप जहाँ तक का रास्ता दिख रहा है उतना एटलीस्ट उस चीज़ पर फोकस करो और देखो आपके फील्ड में कुछ लोग अगर हैं तो, अब तो है ही एटलीस्ट इस तरह की चीजों में, तो आप उनको देख के भी सीख सकते हो कि क्या अपर लिमिट है या फिर मतलब किस तरह से आप चीजें करोगे. तो सपोर्टिव और अनसपोर्टिव, कई बार जो लोग आपके क्लोज मतलब सर्कल में है, जो फैमिली है, तो उनको पता है यार ये रात को मेहनत करती है. उस टाइम पे आवाज आती थी दिन में तो मैं रात को रिकॉर्ड करती थी रूम बंद करके ताकि सब सो रहे हैं. तो वो उनको समझ में आएगा कि यार ये मेहनत कर रही है और ये सच में या कर रहा है, सच में ये चीज में इंटरेस्टेड है, तो वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट करेंगे. दूसरी चीज ना सपोर्ट करने की रही, तो आपको सबका सपोर्ट फर्स्ट डे या डे वन पे क्यों चाहिए? मतलब जरूरी नहीं ना, ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते. एक दो लोग भी अगर आपको लगता है कि समझ रहे हैं तो ठीक है, उतना इनफ है. आप करते जाइए, ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए सबको, उसमें आप ही कंफ्यूज होंगे और परेशान भी होंगे जब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे. तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि मैंने एट टाइम्स जहाँ पे मेरी बुक आई 2019 में फर्स्ट बुक, तो मेरे फादर बहुत खुश हुए, और अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, बट वो सच में बहुत खुश हुए क्योंकि बुक उनको समझ में आसानी से आती थी. बुक मतलब सबको पता है कि भाई बुक लिखनी होती है, मेहनत होती है, ये वो, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई. उन्होंने और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया. उससे पहले शायद उनको लगता होगा कि यार ठीक है टाइम पास के लिए मान लो, या फिर चलो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, मेरे भाई ने कभी दिखा दिया उनको वीडियो. तो वो सपोर्टिव अनसपोर्टिव दोनों चीज़ें रहेंगी, बट आपको फोकस काम पे रखना है.
मेरे अंदर से सही में एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि इतनी कम एज में इतनी मेच्योरिटी आई कहाँ से आपके अंदर? मतलब इतनी कम एज में जो आप बातें कर रहे हो, आई एम श्योर आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि जो इनके आंसर्स हैं उसमें जो डेप्थ है, जिस लेवल की इनकी मेच्योरिटी है, बहुत कुछ मेरे को आपसे सीखने को मिल रहा है सीरियसली जेन्युइनली। तो ये कहाँ से आई इतनी कम एज में इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर? मुझे लगता है कि वो जो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स जो मैं गाँव में थी, फिर टीचर्स की फैमिली है तो बचपन से वो देखा है वैल्यू कि पैसा कम है चलेगा, बट वो वैल्यूज सच बोलना या मतलब ये सब चीज़ें कॉमन रही हैं आसपास। मैं देखती थी गांव में मेरे जो मामा जी हैं उनके पास लोग आ रहे हैं, वो सलाह लेने आ रहे हैं कि मास्टर जी से पूछते हैं क्या करते हैं या फिर कुछ भी इस तरह का। और ऑनेस्टी से लोग हर चीज़ पे, ऐसा नहीं होता कि यार मेरे को इससे कुछ चाहिए। अभी मैं देखती हूँ यहाँ दिल्ली में बहुत होता है ये चीज़ कि कोई भी आपके सामने बैठा है तो दैट मीन्स पहले, अब तो मुझे शक्ल देखते ही मन करता है पूछ लूँ क्या चाहिए भाई बता दे, इंडायरेक्टली मत घुमा। तो वो एक वो जो एक प्योरिटी है वो चीज़ वहाँ से आई। फिर फादर भी हमेशा उसी तरह की बात, फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है मतलब इस चीज़ में मेरे। और दूसरा जो एक्सपीरियंसेस रहे अलग अलग तरह के, क्या ये जो आपने स्क्रैच से अपना ये शुरू किया और अपना ये पाथ बनाया और 6 साल में जो कुछ भी किया उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा सर उसने, तो ये बहुत कुछ सीखा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि मतलब मैं अभी एक टेड टॉक भी हुई थी तो मैं वही कह रही थी, टाइटल था कि वाई नॉट टू बिकम अ मिलियनेयर एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर बिकमिंग अ मिलियनेयर माई सेल्फ। तो मैंने ये कहा था कि आप मिलियनेयर इसलिए मत बनिए, पैसे में प्रॉब्लम नहीं है। आप भी कहते हैं ये, मैंने आपके सेशंस में भी देखा है कि पैसे में प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे को यूज़ कीजिए, जो करना है करिए, खुश रहिए, उसको एंजॉय करिए, बट इसलिए मिलियनेयर मत बनिए क्योंकि सबने कहा है कि हसल करनी होती है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है और पता नहीं ये हो जाएगा, उसके बिना आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, उसके बिना आप इंसान ही नहीं है, मतलब आप काम के ही नहीं है अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, आप अच्छी पोस्ट पर नहीं है, आपकी लोग मतलब वाहवाही नहीं हो रही है सोशली, इसलिए पैसा मत कमाइए, पैसा इसलिए कमाइए या फिर कुछ भी करिए इसलिए करिए क्योंकि आप वहां तक पहुंचते पहुंचते जो बन जाएंगे वो इतनी वैल्यूएबल चीज़ है। आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी रिस्क टेकिंग, बेसिकली आप बिजनेस या कोई भी काम जब रिस्क टेकिंग मतलब जो भी ऐसा काम है जो थोड़ा सा पाथ से हटके है, जो नॉर्मल ट्रेडिशन से हटके है, वहां पर आप लाइफ सीखते हैं। मतलब बिजनेस क्या है, लाइफ के जैसा है जो मुझे समझ में आया है, या कोई भी नया काम जिसमें इम्परमानेंस है, कभी भी खत्म हो सकता है, लाइफ भी कभी भी खत्म हो सकती है। दूसरा, रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको, आपकी जो स्टेबिलिटी है मतलब जैसे लाइफ चलती है वैसे ही, कुछ भी आप नया करते हैं तो वो वैसा ही है, आप जिंदगी सीख रहे हैं अगर आप काम सीख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो बहुत कुछ सिखाया है मुझे। तो इसलिए मतलब पैसा कमाइए या अच्छा काम करिए, कुछ भी करिए इसलिए कि आप वो जो बन जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते वो उसकी वैल्यू मतलब पैसे में तो नहीं रहेगी एटलीस्ट। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। एप्रिसिएशन है, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए टाइम निकाल करके, दिस इज अ थैंक यू फॉर यू फ्रॉम आर एंटायर फैमिली एंड आर एंटायर टीम।